हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर अपन 39 यानी इस माइनर का आपका लास्ट लेक्चर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर अपन जो आपका वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट कर दिया है, उसकी स्टेज फर्स्ट और सेकेंड का सोल्यूशन भी अपन ने कम्प्लीट कर दिया है, तो स्टेज थर्ड है इसका सोल्यूशन मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि किसी भी स्टेज के सारे जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि 12 लेक्चर के अंदर अपन ने फ्रिक्शन है वो भी कंप्लीट किया है और साथ में अपन ने वर्क एनर्जी पावर जैसा बड़ा चैप्टर है वो भी अपन ने फिनिश किया है। तो इसके जो और साथ साथ में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस है वो भी सोल्व किए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे के सारे इसके जो क्वेश्चंस है वो आप सोल्व करें। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इस स्थिति में आप उस पर बार बार आप ट्राई करें, उसके साथ में स्ट्रगल करें आप, और फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपने जो डाउट है उसको भेज सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, ठीक है ना। जब तक आपकी डाउट का सॉल्यूशन, जैसे मान के चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपने पूछा, ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक 5वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने पास में नहीं आएगा तब तक अपन 6वां क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं, आपसे सोल्व नहीं हुआ, आपने डाउट भेज रखा है, तो आप उसका वेट करते रहिए आराम से, उस पर गोला लगा दें, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सब आप सोल्व करते जाएं। फिर उसके बाद जहाँ पर भी आपको डाउट आ जाए उस क्वेश्चन को आप 3-4 बार ट्राई करें, फिर भी अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके बाद में फर्दर उसके भी आप गोला लगा दें, उसको भी आप डाउट के रूप में भेज सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा है भाई, तो ऐसा नहीं कि जब तक डाउट नहीं आती है, अपने को सोल्यूशन नहीं मिलता डाउट का, तब तक अपन आगे नहीं बढ़े, फालतू में अपन अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी कुछ रियल जो डाउट्स हैं उनके सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के मान में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके संवेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ देवदान से, देखो ऐसा है, अपन ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास में, पी स्क्वायर बटे 2m, ये बात हो गई भी। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम संवेग इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास में p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास रूट ऑफ k, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में पी टू बटे पी वन बराबर क्या देगा आपके पास रूट ऑफ k2 बटे K1 बराबर रूट ऑफ। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पर K1 क्या हो जाएगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मान लो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी आपके पास में K, या प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, मान लो 100, मान लो 100 मान लो, ठीक है ना। अब आपको बोला जा रहा है K2, तो K2 हो जाएगी अंतिम गतिज ऊर्जा, इसमें 300% की वृद्धि करनी है, तो 100 तो थी और 300% की वृद्धि कर दी, तो 300 प्लस 100 कितने हो जाएगी आपके पास है 400 जाएगी, कितने देगी 400, तो 400 बटे 100 कितना होता है 4, और 4 का रूट कितना होता है आपके पास है 2 होता है, तो यहाँ से आपके पास है P2 बराबर कितना देगा आपके पास है 2 times of P1, कहते बेटा अंतिम जो संवेग है वो प्रारंभिक संवेग का दुगुना हो जाएगा, और दुगुना होने का मतलब होगा कितना 100% की वृद्धि कर दी आपने, ठीक है ना। दुगुने होने का मतलब कितना था 100% की ग्रोथ हो गई, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 4 की, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्या कहता है ध्यान से देखना, देखो त्रिज्या आर की वर्ती पथ पर गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा के दूरी एस पर निम्न प्रकार निर्भर करती है, तो के बराबर कितना देगा आपके पास में, के बराबर ए एस स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा हो गई, वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, त्रिज्या कितनी अभी आपके पास आर है, तो इस कण पर कार्यरत बल आपको टोटल फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी आपको सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी डिटेल से तो अपन सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर पाएंगे। ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या बोल सकते हैं, 1/2 m into v², तो यहाँ से आपके पास एम वी स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास 2as², ठीक है ना, 2as² हो गया ना, तो एम वी स्क्वायर बटे आर कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा आपके पास में बटे आर हो गया, ठीक है ना।
तो इसको बराबर कर देंगे, ये एक काम करते हैं, एक बार इसको अपन इसके बराबर ही लिख देते हैं। ये आपके पास एम वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 AS² हो गया। अब यहां से अपन एक काम करते हैं भाई, वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 AS² बट्टे एम, और v अगर निकालना है तो इसका अपन क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। अब एक तो होता आपके पास स्पर्शरेखीय जिसको अपन बोलते हैं 80, तो 80 बराबर क्या होता है आपके पास, डीवी अपॉन डीटी होता है, ठीक है ना, 80 बराबर क्या होता है आपके पास डीवी अपॉन डीटी होता है, यह होता है स्पर्शरेखीय त्वरण। ज्यादा डिटेल से आपको सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो इसका अपन करते हैं, तो बराबर कितना देगा आपके पास 2 a/m, ये तो रूट के अंदर रह जाएगा, और एस स्क्वायर बाहर की तरफ आकर के क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 a/m, इसका अपन रूट कर देंगे, और ds/dt को अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, बराबर 2 a/m, इसका अपन कर देंगे रूट, और यहाँ पर जो v है, इस v को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी v आपके पास हो जाएगा 2 a/m, इसका रूट इंटू क्या देगा आपके पास, एस हो देगा। तो यहाँ से आपके पास है जो 80 है, उस 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इंटू ये रूट हट जाएगा, तो 2 a s अपॉन कितना हो जाएगा m, ये तो आपके पास 80 हो गया अभी। इसके बाद यदि अपन स्पर्शरेखीय बल की बात करते हैं ft, तो ft बराबर कितना होता है, m इंटू 80, तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपके पास 2 a s आ गया, क्या गया 2 a s, तो ये तो आपके पास में क्या आ गया, स्पर्शरेखीय त्वरण आ गया। एक होता है बेटा अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण किसके बराबर होता है, या अभिकेंद्रीय बल निकाल लेते हैं सीधा अपन, अभिकेंद्रीय बल एफ सी बराबर कितना होता है, एम वी स्क्वायर बटे आर, तो एम वी स्क्वायर तो ये रहा, आर का भाग लगा दो तो कितना देगा आपके पास 2 a s² बटे क्या हो जाएगा आर, और नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास होता है ft² प्लस क्या होता है fc² का रूट होता है। तो यहाँ पे देवदान से ft², इसका अपन कर देंगे तो कितना देगा आपके पास में 4 a² s² प्लस कितना होता है आपके पास में 4 a² s² अपन r² का क्या कर देंगे अपन रूट। ये बात हो गई, तो क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी तो है बट अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। 4 के बाद में 5 आसान, 6वां भी आसान, 7वां, 8, 9, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 अपन करते हैं, 6वां क्या है, बार लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ती है, एक्स बढ़ती है, स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, टी क्या होता है, स्प्रिंग में तनाव, अरे ऊर्जा आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो U बराबर कितना होता है आपके पास 1/2 kx², तो 1/2 k, इसको अपन ऊपर भी k से नीचे भी k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा करने से आपके पास में क्या देगा kx का होल स्क्वायर अपन क्या देगा आपके पास 2k, और kx तनाव कितना देगा अभी kx, तो इसको अपन बोलेंगे t² अपन कितना देगा आपके पास 2k, ये लो जी। 6 के बाद में अगला क्वेश्चन अपना 8 में क्या करे, 1 मीटर ऊंचाई की घनी पात्र से पानी बाहर निकलने में कुल कार्य कितना हो जाएगा, बात सुना भी, 1 मीटर ऊंचाई के घनी पात्र 8वां, ये आपके पास में कोई एक घनाकार पात्र है, और इस घनाकार पात्र है ना, इसके बाद में इसके अंदर पानी भरकर पानी का द्रव्यमान केंद्र है वो कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, तो द्रव्यमान केंद्र कितनी हाइट पर हो जाएगा, 1/2 मीटर की हाइट पे, तो किया क्या कार्य, W बराबर कितना होता है आपके पास mgh, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो आयतन तो कितना देगा 1 m³, घनत्व कितना देगा 10^3, जी कितना देगा आपके पास है 10, ठीक है ना, तो एम हो गया, जी हो गया, एच कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, क्योंकि हाइट है वो अपन किसकी लेते हैं, सेंट्रोमास की हाइट ही लेते हैं, ठीक है ना,
तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में? 5000 जूल आ जाएगा मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, और इसके बाद में 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 10 देखेंगे। एक बार इनको आप नोट कर दो अच्छे से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 10। क्या कह रहे देवदान से? 10 के जी द्रव्यमान का एक गुटका 10 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से x दिशा में चल रहा है, x बराबर 20 मीटर से x बराबर 30 मीटर तक अपनी यात्रा के दौरान इस पर एक मंदन बल F बराबर माइनस का 0.1x ये लगता आरोपित किया जाता है, ठीक है ना? तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आपको फोर्स दे रहा है भाई। तो अपन एक काम करते हैं, अपन जानते हैं किया गया कार्य बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी के टू माइनस क्या हो जाएगा? के वन हो जाएगा। और किया गया कार्य को अपन क्या लिख सकते हैं अभी? एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक, बराबर के टू माइनस क्या हो जाएगा? के वन हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 0.1, तो माइनस का तो माइनस हो जाएगा। 0.1 को अपन क्या बोलेंगे? 1/10 इंटू कितना हो जाएगा? एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 20 से लेकर के 30 तक, बराबर के टू। अंतिम गतिज ऊर्जा तो आपको कैलकुलेट करनी है, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितने देगी आपके पास? 1/2। द्रव्यमान कितना देगा आपको? 10। प्रारंभिक वेग कितना देगा? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 100। तो यहां से आपके पास है के टू बराबर, ये कितना हो जाएगा? 500 हो गया ना, 500 इधर की तरफ आकर के प्लस का बन जाएगा, 500 माइनस। अब x का इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर 2, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। तो ये आपके पास है 1/20। और इसके बाद x स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है? 900 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है? 400। तो 900 माइनस 400 बराबर कितना होता है? 500, ठीक है ना? 900 माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा? 500। और 500 को अगर अपन 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 500/20, तो 25 हो गया ना। तो 500 में से 25 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में? 475 जूल। क्या ये आंसर आ रहा है क्या? एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होता है फिनिश। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं कुछ बातें जो हमेशा मैं आपको बोलता रहूंगा, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया और घर से अगर आप उसको सोल्व करके नहीं आए, और फिर उसके बाद में अगर आप बिना सोल्व किए उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो इस स्थिति में उस सॉल्यूशन से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब तक आप कुछ भी करते आ रहे हैं, अब से आपको ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन कम से कम आपका 5-7 बार ट्राई किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद में वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको मजा आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं, दुकान से क्या करें? हाथ द्वारा एक बल लगा के 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। बल लगाते समय यदि हाथ है वो 0.2 मीटर विस्थापित होता है तथा गेंद 2 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई किसी भी गेंद को अपन जैसे मान के लिए, गेंद को मैंने यूं पकड़ कर ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गेंद को मैं हाथ के साथ में लेके जाता हूँ, ये मेरा हाथ ऊपर जाता है, हाथ के साथ में गेंद ऊपर जाती है, फिर यहाँ से मैं रिलीज करता हूँ कुछ हाइट तक जाती है गेंद, ठीक है ना? तो सबसे पहले देवनाथ से गेंद वो कितनी ऊंचाई तक जाती है? भी 2 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। तो गेंद के पास में एनर्जी कितनी आ चुकी? काइनेटिक एनर्जी। गेंद के पास में काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी? 1/2 mv स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास? mgh हो जाएगी, ठीक है ना? और mgh, m कितना हो जाएगा आपके पास में? 0.2। g कितना हो जाएगा? 10। और h कितनी हाइट तक जाती है? 2 मीटर की हाइट तक जाती है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास है? 4 जूल। ये तो गेंद को आपके हाथ ने इतनी गतिज ऊर्जा दी है तब जाकर के ये 2 मीटर की हाइट तक जाती है। अब किया गया कार्य बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। मान के इसलिए मेरा जो हाथ है उस हाथ ने कितना बल लगाया है, तो बल का परिमाण ज्ञात करना आपको, ठीक है ना? तो मेरा जो हाथ है उसने कितना बल लगाया, मान के इसलिए एफ बल लगाया, ठीक है ना? तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है आपके पास? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो कार्य बराबर क्या होगा आपके पास? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन कितना होगा आपके पास? 0.2, ठीक है ना? बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास है? 4 जूल, ठीक है ना? तो यहाँ से आपके पास एफ बराबर कितना हो जाएगा?
4/0.2 बराबर 20 न्यूटन आना चाहिए। 20 न्यूटन एक बार मेरे को ऑप्शन में डाउट है, मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि गलत है, इसमें एक लोचा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखता हूँ मैं, पीछे क्या देर का यार, इसमें एक छोटी सी बात है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 11, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर है 11, 11 का आंसर देर का 4, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, ठीक है ना। मेरे को इसके अंदर ये डाउट थे कि भाई अपन जितने समय हाथ में रखते हैं ना गेंद को, देखो इसका एक और आंसर आ सकता था, ऐसे आ सकता था कि अपना जो हाथ है वो कितना बल लगाता है, 20 न्यूटन तो लगाता ही है, और साथ में नीचे की तरफ जो एम जी लग रहा है, गेंद का एम जी लग रहा है, इस एम जी को भी तो बैलेंस कर रहा है ना, ठीक है ना। तो एम जी कितना हो जाता है गेंद का, 0.2, तो 0.2 × g ये 2 और हो जाता, तो 20 और 2 22, तो 22 भी इसका आंसर हो सकता था, बट उसको अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर हो गया 11, 11 के बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला जा रहा है भाई u बराबर कितना दे रखा है, a - bx² बल का परिमाण याद करना है भाई, f, तो अपन जानते हैं f बराबर माइनस का du/dx होता है, उससे आ जाएगा। 17 के बाद में अगला क्वेश्चन है 21, 21 क्या करें ध्यान से देखना, देखो 21वां में कुछ नहीं है, ये आपको p वेक्टर बराबर px कितना दे रखा है बताओ, 2cos t, और py कितना देगा आपके पास 2sin t, और f वेक्टर निकालना है तो f बराबर कितना होता है आपके पास dp/dt, 2 का 2, और cos t का कितना होता है आपके पास माइनस का sin t, ikf प्लस का 2sin t का क्या होता है आपके पास cos t, jkf। इसके बाद में आपको f वेक्टर और p वेक्टर का डॉट करना है अभी, तो डॉट करेंगे तो क्या देगा आपके पास, i को i से गुणा कर दो तो 2 कितना देगा आपके पास 4sin t cos t माइनस का प्लस 4sin t cos t बराबर कितना देगा 0। यहाँ पे f और p का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास में 0, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, 22वां क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 22 अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, एक कण पर कार्यरत परिवर्ती बल कितना देर का एफ फैक्टर बराबर, एफ फैक्टर बराबर कितना देगा आपके पास 3x² ikf प्लस क्या देगा आपके पास 4jkf, और इसके बाद में 2-3 से 3-0 तक इसको विस्थापित करना है, तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यार आपको पता है कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है, तो w बराबर क्या होता है आपके पास है f.dr, r1 से लेकर के r2 वेक्टर तक, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, fx dx, x1 से x2, fy dy, y1 से y2। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो fx कितना देगा आपके पास 3x² dx प्लस क्या देगा आपके पास 4 dy। इसके बाद में x हो जाएगा 2 से 3, y हो जाएगा 3 से 0, 3 का 3 x² का कितना होता है x³/3, 3 से 3 x³, 3 का³ कितना होता है 27, माइनस 2 का³ कितना होता है 8, प्लस 4 का 4, dy का कितना होता है आपके पास y, ठीक है ना। तो 0 - 3 कितना देगा -3, -4 × 3 कितना देगा 12, ये आपके पास -12, तो कितना देगा -12 - 8 - 20, 27 - 20 बराबर कितना देगा आपके पास 7, ये 7 आ रहा है आंसर इसमें, देखो देखिए 7, यस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22वां। 22 के बाद अगला क्वेश्चन आपका 26वां क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो, ये दे रहे स्लोप में, सोम में एक ढाल,
वाले अन्य तल पर 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर दूरी तक ऊपर खींचने में किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है 100 में एक डाल, तो ये एक नई टर्म है। कोई भी आपके पास नत्तल है उसकी ढाल को परिभाषित करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है, मैं यहाँ पे जगह बना देता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर है ना ये नत्तल है, इस नत्तल के ऊपर आपने ना अगर 100 मीटर ऊपर चले गए ना 100 मीटर, तो आप 1 मीटर की हाइट पे चले जाओगे। इसका मतलब होता है 100 में एक, यानी 100 जाओगे ना तो धरातल से 1 मीटर की हाइट पर आप पहुंच जाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें 10 मीटर की दूरी तक ऊपर जाते हो आप, तो 100 मीटर जाने पे आप चलते हो ऊपर 1 मीटर, तो 10 पे कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ 10 पे हो जाएगा आपके पास 1/10 मीटर, ये आपके पास h आ गया। तो किया क्या कार्य, w बराबर कितना होता है mgh, तो m कितना हो जाएगा आपके पास में 100 किलोग्राम, g कितना हो जाएगा 9.8 और h कितना हो जाएगा आपके पास 1/10। सोल्व कर दोगे तो 98 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 26वां क्वेश्चन था बेटा ये, 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक गोली जब इसे लक्ष्य की ओर 100 मीटर पर सेकंड चाल से दागा जाता है तो ये उसमें 1 मीटर तक प्रवेश कर जाती है। इस गोली 25 सेंटीमीटर मोटा की लक्ष्य की ओर दागी जाती है तो किस साल से बाहर आएगी। लो जी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपन क्या करते हैं, भी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। 26 के बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, देखो ये कोई गोली है और इसका वेग कितना है भाई, यहाँ पे v, द्रव्यमान कितना है m और ये x बराबर कितना देगा आपके पास 1 मीटर। जैसे ये बाहर निकलती है इसका वेग कितना ज़्यादा आपके पास में v बराबर 0, तो पीछे की तरफ इस पर अवमंदन बल लग रहा है, F लग रहा है, तो इसका कार्य कितना देगा आपके पास में बल गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना देगा आपके पास 1 बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना देगा 1/2 m इंटू कितना देगा आपके पास में v स्क्वायर, और प्रारंभिक वेग कितना दे रखा आपको 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10^4, ठीक है ना। ये बात होगी भी, माइनस माइनस दोनों साइड से मैंने काट दिया। अब ये बोला जा रहा है कि आपने ना इसकी जो मोटाई है वो 25 सेंटीमीटर रखी है, यानी यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पे इसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास में वीडेस हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, बल कितना हो जाएगा आपके पास एफ, विस्थापन कितना हो जाएगा 1/4, 25 सेंटीमीटर है बराबर 1/2 एम, इसके बाद में इसको अपन बोल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास में वीडेस स्क्वायर, वी कितना देगा आपके पास में 100, 100 का स्क्वायर कितना देगा 10^4 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को अपन एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, चलो करते हैं डिवाइड करते हैं, अपन इसमें इसका भाग लगाते हैं, तो इसमें इसका भाग लगाते हैं तो कितना देगा आपके पास में, तो एफ बटे 4, एफ से एफ गया तो 1/4 बराबर 1/2 एम से 1/2 एम को काट देंगे। इसके बाद में कितना देगा आपके पास में 10^4 माइनस कितना देगा आपके पास में वीडेस स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास में 10^4, 10^4 इधर की तरफ चला जाएगा, कितना होता है 10,000, और 10,000 में से 10,000 में 4 का भाग दे देंगे कितना देगा आपके पास में 2,500, तो यहाँ से आपके पास में वीडेस स्क्वायर बराबर 10^4 में से 2,500 को माइनस कर दो तो कितना देगा 7,500, 7,500 है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी 2,500 इंटू 3, तो यहाँ से आपके पास में वीडेस बराबर 2,500 है, कितना था आपके पास में 50√3 मीटर पर सेकेंड। तो दो बार अपन ने जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको अपन अप्लाई किया तो अपना आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 से अपन आगे देखते हैं, तो एक बार इनको आप अच्छे से नोट कर ले बेटा। चलो बच्चों अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कह रहा है, एक हृदय 5×10³ सेंटीमीटर क्यूब
प्रति मिनट की दर से 120 एमएम पारी के दाब पर रक्त पंप करता है। आपको ये जो हार्ट है इसकी पावर आपको पूछ रखी है, ऐसा क्वेश्चन 31वां और 35वां ये दोनों क्वेश्चन है वो हार्ट पर बेस्ड है, अपना जो हृदय होता है उस पर बेस्ड है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो अपन जानते हैं कि पी पी बराबर क्या होता है आपके पास एफ इंटू क्या होता है वी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आपके पास है क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो बराबर एफ अपॉन ए इंटू ये आपके पास हो जाएगा ए इंटू वी हो गया। तो यहां से आपके पास है पावर बराबर एफ बाई ए, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी प्रेशर, ये क्या हो जाएगा आपके पास है प्रेशर इंटू एवी, एवी को अपन क्या बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट यानी आयतन प्रवाह की दर, ये आपके पास हो जाएगी वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है ना। अब कैसे हो जाएगी वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे हो जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। से ये कोई ट्यूब है और इसके अंदर इस प्रकार से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना देगा ए, और इसके अंदर है ना इस प्रकार से वी वेग से कोई लिक्विड जा रहा है, ये इसका अनुप्रस्थ काट अपन काट देते हैं, लंबाई कितने देगी आपके पास है डी एक्स। आयतन प्रवाह की दर क्या होती है, आयतन प्रवाह की दर आयतन बटा समय, आयतन को अपन क्या बोल सकते हैं इस अल्पांश का आयतन, एरिया इंटू क्या देगा आपके पास है डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी को अपन बोलेंगे वी, तो ये आपके पास ए वी बन गया। अब अपन बात करते हैं पावर प्रेशर, आपको बोला जा रहा है ये बोला जा रहा है कितना 120 mm पारी की दाब पर, 120 mm पारी का दाब। तो अगर आपको जैसे मरकरी कोलम की हाइट आपको दे रखी है, पारे की स्तंभ की लंबाई आपको दे रखी है, तो प्रेशर अपन निकाल सकते हैं एच रो जी से। तो एच कितना देगा 120 mm, ठीक है ना। तो mm मतलब कितना देगा आपके पास है 10^-3 एच रो, रो कितना था पारे का घनत्व 13.6 × 10^3, जी कितना था आपके पास 9.8, यही दे रखा है ना क्वेश्चन में ना 10 दे रखा है, तो 10 ले लेंगे। तो ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा अभी पी हो जाएगा, तो पी अपन किससे निकालेंगे एच रो जी से, ठीक है ना, इनटू एवी को अपन ने क्या बोल दिया आयतन प्रवाह की दर यानी डीवी अपॉन डीटी। तो ये कितना हो जाएगा 5×10^3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, तो ये हो जाएगा आपके पास 5×10^3 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10^-2 मीटर, तो एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 10^-6 अपॉन प्रति मिनट, तो एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। यदि इसको आप सोल्व कर दोगे ना तो आपको इसकी पावर है वो मालूम हो जाएगी भी। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 33, क्या कह रहा है देखो ध्यान से। पानी से भरी एक बाल्टी का द्रव्यमान कितना है 15 kg, और 15 मीटर गहरे कुएं से ऊपर खींचा जाता है, बाल्टी में छिद्र होने के कारण उसमें से 6 kg पानी बाहर निकल जाता है, बाल्टी को ऊपर खींचने में कर्त कार्य कितना हो जाएगा, बात सुनना भी। देखो ऐसा है कि पहले स्टार्टिंग में द्रव्यमान कितना था 15 था, और छेद की वजह से 6 kg पानी बाहर निकल जाता है, तो यानी फाइनली कितना द्रव्यमान बचता है बताओ 9 बचता है, कितना बचता है 9। तो पहले कितना था 15 और लास्ट में कितना बचता है 9 बचता है। तो एम जी एच में एम कौन सा लेंगे, एवरेज मास अपन काम में लेंगे, औसत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान कितना देगा प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2, तो 15 और 9 कितना देगा आपके पास है 24, 24/2 कितना देगा 12, ठीक है ना। तो एम जी एच में एम की वैल्यू आपको 12 काम में लेनी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। और 33 के बाद में अगला क्वेश्चन अपना बेटा 35वां, तो 35वां क्या करें, मानव हृदय के 10 सेंटीमीटर औसत पारे के 10 सेंटीमीटर औसत दाब। तो अब की बार जो एच है इसको अपन क्या ले लेंगे 10 सेंटीमीटर यानी 10^-2, ठीक है ना मीटर। रो कितना हो जाएगा 13.6×10^-3, और जी कितना हो जाएगा आपके पास, तो 9.8 दे रखा है, तो 9.8 काम ले लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, 35वां क्वेश्चन मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ। देखो
35वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। देखो ये मानते हो कि देखो ऐसे कह रहे प्रत्येक धड़कन पर 75 सेंटीमीटर क्यूब रक्त धमनियों द्वारा भेजता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं डीवी अपॉन डीटी। तो एक धड़कन में कितना भेजेगा 75 सेंटीमीटर क्यूब, 75 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10^-6, ये तो एक धड़कन का हो गया। एक मिनट में कितनी धड़कन हो जाएगी बताओ, 72। तो 72 धड़कन में कितना भेजेगा बताओ, × 72 इतना रक्त भेजेगा, ठीक है ना। और बट्टा टाइम है, एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपके पास है, 60 हो जाएगा, ये 60 सेकंड हो गया एक मिनट। तो ये तो डीवी अपॉन डीटी हो गया। और पी बराबर कितना दे रखा आपको, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10^-2 एच हो गया। रो कितना था, 13.6 × 10^3, और जी कितना था आपके पास है, 9.8, ये पी हो गया। और अगर आपको पावर निकालनी है तो दाब को और आयतन प्रवाह की दर को मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका हो गया फिनिश। और 35 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। देखो 43वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया निकाय को विराम से छोड़ा जाता है, गिरनी तथा स्प्रिंग द्रव्यमान है तथा घर्षण सर्वत्र अनुपस्थित है, 2 किलोग्राम का गुटका फर्श छोड़ देता है, तो 5 किलोग्राम की गुटके की चाल क्या हो जाएगी, के बराबर देर का, जी बराबर आपको देर का भी। अब देखो ध्यान से सुनो भी, अपन देख सकते हैं ऐसे, ये अपने पास कोई भी एक सिस्टम है, यहाँ पे स्प्रिंग की हेल्प से ये 5 वाला हो जाएगा, ये 2 वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 वाला। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस 2 वाले को अपन क्या करते हैं, अभी धरातल से जो संपर्क है उसका अपन ये हटाते हैं, तो इस 2 पे नीचे की तरफ क्या लग जाएगा अभी, 20। इस 2 पे नीचे की तरफ क्या लग जाएगा अभी, 20। ऊपर की तरफ आपके पास जो टेंशन है वो कितना देगा आपके पास, 80। यहाँ पे टेंशन कितना देगा पूरी स्प्रिंग में, ये आपके पास हो जाएगा टी, हो जाएगा टी सब जगह। तो ये वाला ब्लॉक धरातल को कब छोड़ सकता है, जब टेंशन है वो कितना देगा आपके पास है, 20 हो जाएगा। तो टेंशन को आपको क्या कर देना है अभी, 20 कर देना है। टेंशन कितना हो जाएगा आपका, 20 न्यूटन हो जाएगा। तो अपन देखते हैं देवदान से, टेंशन ये कितना देगा आपके पास है, 20 हो गया। स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना होता है, एफ बराबर क्या होता है, kx होता है, क्या होता है, kx। तो बराबर kx कर देंगे, तो k कितना हो जाएगा आपके पास है, 40 × कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, 1/2 मीटर, यानी ये है ना, ये 1/2 मीटर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात सुनना अभी, अगर ये 1/2 मीटर नीचे की तरफ आ जाएगा तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, ऊर्जा संरक्षण लगा देते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण कैसे लगाते हैं ध्यान से देखना। देखो अभी इस ब्लॉक की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना, और प्लस इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भी, 0। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी कितनी रहेगी आपके पास बताओ, 0 बराबर। ब्लॉक जैसे नीचे की तरफ आ जाएगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा, वी, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2। एम कितना हो जाएगा आपके पास, 5 × क्या हो जाएगा आपके पास, v², ठीक है ना। इसके बाद में स्प्रिंग है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी रहेगी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx² हो जाएगी। तो प्लस क्या देगा आपके पास में, 1/2 k कितना देगा, 40 x² कितना देगा, 1/2 का² 1/4। और ये ध्यान से देखना, देखो ये जो गुटका है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -mgh। तो माइनस का m कितना देगा, 50, g कितना देगा आपके पास है, 10, h कितना देगा आपके पास, 1/2। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं, माइनस वाला इधर आकर के प्लस का देगा, 50 × 10 कितना देगा, 500, और 500/2 कितना देगा, 250, ये आपके पास है 250 हो गया बराबर। कितना देगा बताओ, 40/4 कितना देगा आपके पास है, 10, 10/2 कितना देगा, 5, और प्लस ये कितना देगा आपके पास है, 5/2 v²
इसको अपन इधर की तरफ लेंगे तो कितना देगा आपके पास में, 245 हो देगा ना। इसको अपन बोलेंगे 245 बराबर 5/2 वी स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो वी स्क्वायर बराबर कितना देगा, 245 490 बराबर कितना देगा आपके पास में, तो 98 हो गया कि 98 हो गया अभी। तो वी स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट कितना हो रहा है आपके पास में, 100, ठीक है ना, 98 हो गया, 98। तो 98 को अपन क्या लिख सकते हैं यार, 98 को अपन लिख देंगे इसकी चाल पूछ रहा है ना, आ रहा है वी स्क्वायर बराबर, सही तो है ना ये, 245 490 बटे 5 49 आ गए ना यार, 49 नहीं आएगा क्या, ना 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 ना, 490 बटे 5 98 आ गया यार। तो v बराबर कितना आ जाएगा, √98। v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, √98। और √98 कितना होता है, √98 इस 98 को तो लगभग अपन 100 के बराबर लिख सकते हैं। तो 100 कितना हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा आपके पास 10। तो आंसर लगभग 10 के आसपास आ रहा है अभी। कहां पे गड़बड़ हुई देख लेते हैं एक बार अपन फिर से। t बराबर कितना देगा आपके पास में, 20 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 एक्स के एक्स हो गया, तो x बराबर 1/2 हो गया, ठीक है ना, x बराबर 1/2 हो गया। तो अब एक बार चलो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से बनाता हूँ, देखें वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से, हो सकता है अपने कोई गड़बड़ कर दी हो, ठीक है ना। तो भाई 1/2 मीटर नीचे की तरफ जाता है, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा बल लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो mg कितना लग रहा है अभी, 50। और इसका विस्थापन कितना हो जाएगा नीचे की तरफ, 1/2। तो mg भी नीचे की तरफ, विस्थापन भी नीचे की तरफ, तो mg का कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो mg का कार्य हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्प्रिंग का कार्य, तो स्प्रिंग का कार्य कितना हो जाएगा अभी, स्प्रिंग का वर्क डन, स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, विस्थापन नीचे की तरफ, स्प्रिंग का कार्य माइनस का देगा, तो माइनस का 1/2, किया कितना हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना देगा आपके पास 1/2, एम कितना देगा आपके पास 5 इंटू क्या देगा आपके पास वी स्क्वायर, 50/2 कितना देगा आपके पास 25 माइनस 40/2, अब आ गया ना आंसर, 40/2 कितना हो जाएगा 8, 5 बराबर कितना देगा आपके पास 5/2 वी स्क्वायर, 25 माइनस 5 कितना देगा आपके पास 20, तो 20 आ गया ना, तो 20 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 40/5 8, तो वी स्क्वायर बराबर 8, तो वी बराबर कितना देगा आपके पास 2√2। ये आंसर सही आ रहा है। अभी अपने पिछले सॉल्यूशन में कुछ प्लस माइनस की अपने गड़बड़ कर दी होगी, तो 2√2 मीटर पर सेकेंड, 43 इसका आंसर अपना आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद में 43 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 44। तो इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 44। क्या कह रहे अभी, 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटखा क्षैतिज घर्षण रहित तल पर प्रारंभ में विरामावस्था में, प्रारंभ में विरामावस्था में दे रखा अभी, एक क्षैतिज बल गुटके पर एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में लगाया जाता है, और यह बल क्या देगा आपके पास है, बराबर 4 - x² एक्स क्या है मीटर में, गुटके की प्रारंभिक स्थिति एक्स बराबर 0 है, ठीक है ना, एक्स बराबर 0 तथा एक्स बराबर 2 के बीच गुटके की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। मैं ये कह रहा हूं कि
सबसे पहले फोर्स दे रखा है, f बराबर 4 माइनस x स्क्वायर। f बराबर कितना देखा आपके पास, अब 4 माइनस x स्क्वायर ये दे रखा है अभी। अब बात सुना अभी, x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच में अधिकतम गतिज ऊर्जा। बेटा अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, k बराबर 1 बटा 2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका v मैक्सिमम होगा, और v मैक्सिमम कब होगा, जब त्वरण 0 होगा, ठीक है ना। x मैक्सिमम कब होता है, जब v 0। v मैक्सिमम कब होता है, जब त्वरण 0। और त्वरण 0 मतलब बल 0, तो बल को 0 कर दो, तो बल को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 कर देंगे तो यहां से आपके पास x स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास 4। तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा, प्लस माइनस का 2 देगा, ठीक है ना। तो x बराबर 0 से x बराबर 2, 2 दे रखा है तो प्लस का 2 ही ले लेंगे अपन। 0 से x बराबर कितना देगा आपके पास है 2 मीटर के बीच में आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कहां पर हो जाएगी, भी x बराबर 2 पर हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि w बराबर क्या होता है आपके पास f dx। x1 कितना देगा 0, x2 कितना देगा आपके पास है 2, और किया गया कार्य क्या देगा आपके पास है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अंतिम गतिज ऊर्जा कितना देगी k, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना देगी 0, क्योंकि ये पार्टिकल है ना वो विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है ना, विरामावस्था में, प्रारंभिक विरामावस्था में। तो f कितना देगा आपके पास है 4 माइनस x स्क्वायर इंटू कितना देगा आपके पास है dx, 0 से लेकर के x तक, नहीं 0 से लेकर के 2 तक, बराबर कितना देगा आपके पास है k। 4 का कितना होता है आपके पास है 4x, x कितना देगा आपके पास है 2 माइनस 0, माइनस कितना देगा आपके पास x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना होता है x की पावर 3/3, तो कितना देगा 8/3 हो जाएगा बराबर k। तो 8 माइनस 8/3 कितना होता है 16/3, आंसर है क्या, देखो देखिए ऐसा कोई, 16/3 कितना होता है 5.67, तो आंसर आ रहा है 5.33, थर्ड आंसर आ रहा है अभी। 44 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देते हैं 49। एक इंजन एक छिद्र के द्वारा पानी लगातार फेंकता है, यदि 40 में पानी छिद्र नोजल से गुजरता है, वी है, ठीक है ना, और नोजल छिड़कते समय पानी की जेट का द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई कितना व्यक्त है, तो पानी को प्रदान की गई गतिज ऊर्जा की दर कितनी रहेगी। गतिज ऊर्जा की दर, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा अभी 49। तो गतिज ऊर्जा की दर क्या देगी आपके पास है डी के अपॉन क्या देगा आपके पास है डी टी। तो कितना देगा आपके पास है 1/2 डी एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास है डी टी। और इसके बाद इसको ऊपर भी अपन dl/dl से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर 1/2 इसके बाद में dm/ क्या देगा आपके पास है dl वी स्क्वायर इंटू कितना देगा आपके पास है dl/dt। तो 1/2 dm/dl इसको अपन क्या बोलेंगे k वी स्क्वायर, और dl/dt इसको अपन बोलेंगे v। तो क्या देगा आपके पास 1/2 के वी क्यूब, देख लो भाई ऑप्शन मिल जाएगा। 49 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो एक कण कुछ प्रारंभिक वेग v0 से क्षुद्रक क्षैतिज तल पर गति करता है, घर्षण के कारण t0 समय में इसकी गतिज ऊर्जा का 3/4 भाग नष्ट हो जाता है, तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा भाई। चाहो तो आप इसको गति की समीकरणों से कर लो, और चाहे इसको है ना आप कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। अब समय अगर इसमें आ गए ना, तो अपन एक काम करते हैं गति की समीकरण से ही इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अभी प्रारंभिक वेग कितना भी वी नॉट है, अब ये कह रहा है कि 3/4 भाग तो नष्ट हो जाता है, तो 1/4 भाग बचता है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी देगी 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 किसका 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर का। तो यहां से इसको अगर अपन काट देंगे तो यहां से आपके पास में v बराबर कितना हो जाएगा v0/2, यानी इसकी चाल वो कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी t समय में। इसके बाद में अपन जानते हैं कि v बराबर कितना होता है आपके पास u प्लस at, तो यहां से आपके पास में v बराबर अंतिम वेग कितना देगा आपके पास v0/2, प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास v0,
और ए कितना था आपके पास है माइनस का म्यू जी इंटू टाइम कितना देगा आपके पास है टी नॉट। तो यहां से आपके पास अध्यतांश है म्यू निकाल रहा है ना म्यू, तो इसको आप बोलेंगे म्यू जी टी नॉट बराबर वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू कितना देगा आपके पास वी नॉट बाई टू। तो यहां से आपके पास है टी नॉट, यहां से म्यू बराबर कितना देगा म्यू बराबर वी नॉट अपन टू जी टी नॉट हो जाएगा वी नॉट अपन टू जी टी नॉट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 था और इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने आपको ओटी करवाया था क्वेश्चन नंबर 55। यार ये नीट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन टफ है, तो नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी आने का नहीं, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। बाकी इसके अंदर और भी कई सारे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 में आपको क्या कर गया 5 सेंटीमीटर तक दबा गए, तो स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी 1/2 kx² और ये इस ब्लॉक को मिल जाएगी 1/2 mv² के बराबर। तो इस ब्लॉक के पास में कितनी स्पीड आ रही है वो v आप कैलकुलेट कर लेना, 1/2 kx² को 1/2 mv² के बराबर करके v निकाल देना। और फिर उसके बाद में इसका क्षैतिज वेग आ गया, धरातल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये क्षैतिज दिशा में फेंका गया प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने जो डिस्कस की थी ना, जो आप पढ़ी थी ना, ये उसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर में 53 आपको बता देता हूं, एक और लास्ट क्वेश्चन नंबर 53 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं अपन, देखो क्या करें। ध्यान से देखना, देखो 53 ये कह रहा है कि u बराबर कितना आपके पास है, u बराबर x^4/4 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास x^2/2, ठीक है ना। और x x के अनुदिश मुक्त रूप से गति करने वाले 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कण की स्थितिज ऊर्जा, यानी m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1 kg। और कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी दे रखी है, कुल यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कितनी देगी आपके पास है 2 जूल। तो उच्चतम चाल, अब ध्यान से देखना, देखो चाल उच्चतम तब होगी जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और गतिज ऊर्जा अधिकतम तब होगी जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। क्यों? क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू होता है, और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कहाँ पे होती है बताओ, माध्य स्थिति पर, और माध्य स्थिति में फोर्स का मान कितना होता है 0 होता है। सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो आपको पूछा जा रहा है कि वी क्या देगा भाई मैक्सिमम, तो वी मैक्सिमम तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यू है वो क्या हो जाएगा आपके पास मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है जब फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होती है, इक्विलिब्रियम पे होती है, साम्य अवस्था पे होती है। तो साम्य अवस्था में एफ बराबर कितना होता है आपके पास 0 होता है, और एफ बराबर कितना होता है आपके पास माइनस का डी यू अपॉन क्या होता है डी एक्स होता है। तो सबसे पहले आप एक काम करें भाई, इसका आप कर दें समाकलन, अवकलन कर दें, तो इसका कितना होता है भाई डी यू बटे डी एक्स कर दें, तो क्या बन जाएगा आपके पास में x^4 का कितना था 4x³, तो 4 से 4 कट जाएगा तो x³ आ गया, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में x² 2x, तो x ही आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x³ बराबर कितना देगा आपके पास x, तो यहाँ से आपके पास x² बराबर कितना देगा 1, तो x बराबर कितना देगा आपके पास +-1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो कितना देगा 1/4 माइनस कितना देगा 1/2, तो कितना देगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, कितना देगा माइनस का 1/4। अब अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो माइनस का 1/4, तो k मैक्सिमम प्लस क्या देगा आपके पास u मिनिमम बराबर टोटल एनर्जी कितनी देर की 2 देर की है, तो यहां से k मैक्सिमम बराबर कितना देगा 1/2 एम कितना दे रखा है आपको 1 × v मैक्सिमम² और यू मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है आपको बताओ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 1/4 बराबर कितना देगा आपके पास है 2। तो इसको सॉल्व करके आपको यहाँ से v मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो बेटा ये आपका फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर, इसकी थ्योरी सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है, मॉड्यूल भी मैंने आपको जितना डिस्कस करवाना था वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। इसके बाद में बाकी नेक्स्ट डे आपका माइनर होगा,
और इस माइनर के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। अब देखो ध्यान से पेपर कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपको लगता है भाई क्वेश्चन में आपको टाइम मिलता है, फिक्स टाइम मिलता है, ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, मेरे को टफ लगता है, तो उस क्वेश्चन को एक बार आप स्किप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यार अगर आप किसी भी क्वेश्चन में उलझ गए और उसकी कैलकुलेशन है वो चलती रही और 5-10 मिनट अगर आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया फिर भी आंसर अगर नहीं आया तो उससे आप में फ्रस्ट्रेशन आएगी और फ्रस्ट्रेशन की वजह से फाइनली आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको केवल स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको ईजी लगते हैं। एक बार ईजी जी क्वेश्चन करो, फिर आपका ठीक सा रेस्पेक्टेड स्कोर हो जाता है। उसके बाद में आप जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद में आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, इनमें ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे भी हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं, आप अपने घर में बैठ करके, आपके घर का खाना खा करके, आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसको आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करके उसके साथ में आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अब नुकसान क्या, नुकसान ये कि घर पे अपना जो मन है वो भटक सकता है, अभी अपना माइंड वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये तो आपको खुद पे कंट्रोल करना है। अभी अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना अगर आपका सपना है, तो कम से कम आपको इस साल तो बहुत ज़्यादा एकदम जोश, जुनून और कंसंट्रेशन के साथ में आपको काम करना है बच्चों, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर अपने जो डाउट है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करें, मिलते हैं अगले माइनर के साथ में नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।